दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फ़िल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवाज है जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी कास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्याशन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार पानवलैम करण जानकी पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फ़िल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज्नी प्लस होफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफ़ी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फिल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाज मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्ट पे जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉफ्ट पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस हॉफ्ट पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी आई या फिर एयरटेल यूजर हैं तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूटूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएँगी इस फिल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोड़ी से प्यार हो करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनार छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण सिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि सिवा जो होता है इनकी माँ ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु वैम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है जो कि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुच्छा एक रूपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालाँकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर जो गाँव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी ज़मीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वो गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिसे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉर्डमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन्हें ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़के की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविजन प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाजहि के बारे में वाजहि जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सेलवाज है जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म के सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी कास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार पान वलैम करण की, की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज्नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फ़िल्मोग्राफ़ी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजह मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्ट आर पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉफ्ट आर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस हॉफ्ट आर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ़्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पे ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं अब बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक शिवाइडल सिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार हो करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनार छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि शिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जो कहानी उनसे वो प्यार करती हैं जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है जो कि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पर गाँव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी जमीन ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव है जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने क्या काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूनकौड़े के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉर्डमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों हैं इनको इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवराज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म के सीनेटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार, पन करण इंसान की, की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फ़िल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाज मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं अब बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन सिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोड़ी से प्यार हो करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनर छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि सिवा जो होता है इनकी माँ ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बदल होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कहानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉर्डमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी कैसे लड़के की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वो वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरा देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार पान करण करण जानकी पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस हॉफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाज मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फिल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुड़ा वादा भी करते हैं कि एक होनहार छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि सिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़े के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉडमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म के सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंड मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार, पन करण इंसान की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ये अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजह मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन सिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोड़ी से प्यार हो करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनर छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि शिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूनकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉडमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवराज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म के सिनेमामेटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंड मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकाफ्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार, पन करण इंसान की, की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फ़िल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजे मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पे जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं अब बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुड़गुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फ़ैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुठा वादा भी करते हैं कि एक होनहर छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि शिवा जो होता है इनकी माँ ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है क्योंकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रति गुच्छा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी जमीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताह सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कहानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉर्डमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी कैसे लड़के की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वो वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म की सीनेटोग्राफ़र थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरा देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार पान करण करण जानकी पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाज मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फिल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनहार छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि सिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़े के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉडमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाजह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म के सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंड मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरा देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार, पन करण इंसान की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ये अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजह मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पे जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फिल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं अब बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन सिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोड़ी से प्यार हो करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनर छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि शिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मुथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी जमीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूनकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉडमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविजन प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाजह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सेहलवराज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंड मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार, पन करण इंसान की, की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फ़िल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजे मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुठा वादा भी करते हैं कि एक होनहर छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि शिवा जो होता है इनकी माँ ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी जमीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कहानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉडमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी कैसे लड़के की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविजन प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कलियारासन, दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार पॉन करण करण जानकी पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजह मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूज रहें तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फिल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं अब बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुड़गुल गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनहार छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और सेकर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि सिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो व्याबु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताह सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़े के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कहानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉर्डमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वो वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सेलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म के सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंड मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरा देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार, पन करण इंसान की, की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजह मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन सिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार हो करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनर छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि शिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जो कहानी उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गाँव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रति गुच्छा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉर्डमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों हैं इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवराज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार पान करण इंसान की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाज मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं अब बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुठा वादा भी करते हैं कि एक होनहर छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि सिवा जो होता है इनकी माँ ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉर्डमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और अन्य ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविजन प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरा देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार पान करण करण जानकी पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजे मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूज रहें तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फिल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है वो उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं अब बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनहार छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि सिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताह सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पुनकौड़े के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉडमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वो वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म के सीनेमेटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंड मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरा देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार, पन एम, करण इंसान की, की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजह मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पे जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फिल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन सिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोड़ी से प्यार हो करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनर छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और सेकर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि शिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जो कहानी उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गाँव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रति गुच्छा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉडमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़के की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवराज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार पान करण इंसान की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फ़िल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाज मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं अब बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करूलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थो थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुठा वादा भी करते हैं कि एक होनहार छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि सिवा जो होता है इनकी माँ ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉर्डमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और अन्य ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दु... इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविजन प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वाजह जो कि 2024 की, की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरा देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार पान करण करण जानकी पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिजनी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजे मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूज रहें तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फिल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन सिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुड़ा वादा भी करते हैं कि एक होनहार छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि शिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन झुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बदल होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूनकौड़े के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉडमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और इन ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाजह के बारे में वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सेलवाज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म के सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंड मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरा देखने को मिलते हैं जैसे कि रघुलार, पान करण इंसान की, की पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजह मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन सिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार हो करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते तो हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुटा वादा भी करते हैं कि एक होनर छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि शिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जो कहानी उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे गांव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले, ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूनकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कहानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉडमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और अन्य ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल है वहीं अगर टेलीविज़न पर मेरे की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको दोस्तों आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए तो आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी अगर मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा साथ ही में इसका हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही कमाल की है इसे फैमिली के साथ आप ज़रूर देखिए बहुत कुछ आपको इस मूवी से जानने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये मूवी ट्रू इवेंट के ऊपर बनाई गई है तो ऐसी मूवीज़ तो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म वाज़ाह के बारे में वो वाजह जो कि 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा देखने को मिला था और इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मारी सहलवराज है जो कि एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इस फिल्म के सीनेमाटोग्राफर थैनी ईश्वर है और इस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक संतोष नारायण का देखने को मिलता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड जैंडस मूवीज़ ने ये जो फिल्म है दोस्तों इसकी लेडकास्ट की मैं बात करूँ तो मूवी के अंदर आपको निखिला विमल प्रियंका कल्यारासन, दिव्या जे सतीश कुमार ऐसे बहुत सारे और भी किरदार देखने को मिलते है। जैसे हैं जैसे कि रघुलार पान करण करण जानकी पाथेम तो ऐसे कुछ चाइल्ड एक्टर भी फिल्म के अंदर है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम फिल्म में किया है बात करें फिल्म के बजट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मूवी का बजट मात्र पाँच करोड़ का था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंद्रह करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था डिज़नी प्लस ऑफ स्टार नावी स्टूडियोज़ और फार्मर मास्टर प्लान प्रोडक्शन ने तो जो फार्मर मास्टर जो प्रोडक्शन है वो पहले भी बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक प्रोडक्शन कंपनी रह चुकी है तो इनकी मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आता है हालांकि इनकी फ़िल्मोग्राफी बहुत ही बड़ी है जो तमिल मूवीज़ है वो ज़्यादा मतलब वो प्रोड्यूस करे हुए हैं खैर बात करते हैं फ़िल्म के बारे में और जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी और जानते हैं कि मूवी के अंदर क्या है कहाँ पर ही अवेलेबल है दरअसल अगर आप वाजे मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो आप इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएंगी वो भी हिंदी के अंदर और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये मूवी आपको ना ही यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही आपको डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर फ्री में मिलेंगी अगर आपके पास इनके प्रीमियम प्लान अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हालांकि आजकल जो मोबाइल रिचार्ज वाले हैं वो भी साथ में फ्री में देते हैं सब्सक्रिप्शन जब तक आपका प्लान एक्टिव होता है अगर आप एक वी या फिर एयरटेल यूजर है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि इनका जो कॉलेब्रेशन होता है वो चलता रहता है क्योंकि रिचार्ज के साथ भी हमें उनकी जो है वो वन मंथ या फिर थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हालांकि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी के अंदर उपलब्ध है और अगर आपको यूट्यूब पर इस फिल्म को देखना है दोस्तों तो अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी इस फ़िल्म को फ्यूचर में यूट्यूब पर ज़रूर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इस मूवी का रन टाइम तकरीबन दो घंटे चौदह मिनट का बताया जा रहा है और ये जो फ़िल्म है उसको नाइन्टी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर आप तो ये समझ गए होंगे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों दम ज़रूर है चलिए मैं बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या स्टोरी है आपको क्या देखने को मिलता है हालांकि कहानी एक विलेज लाइफ की है गांव की है और ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से जहां पर मध्य में दक्षिणी तमिलनाडु के करुलगुलम गांव में प्राथमिक व्यवसाय कच्चे केले के, के गुच्छों को तोड़ना और उन्हें ट्रैकों में ले जाना होता था जिसके लिए प्रति गुस्सा एक रुपये का मामूली भुगतान किया जाता था हालांकि उस टाइम पर एक रुपया शायद बहुत ज़्यादा होता होगा दो किशोर मित्र यहाँ पर होते हैं जिनमें से एक सिवाइन शिवनाइंडल और एक शेखर अब जो दोनों ही क्रमश रजनीकांत और कमल हसन के वो सही फैन होते हैं जो शिवा है जो कि अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका पोगोडी से प्यार करता है हालांकि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी होती है और वह जो है उनका रुमाल चुराते हुए पकड़े जाता है तो उनसे जुड़ा वादा भी करते हैं कि एक होनहार छात्र होने के बावजूद गरीबी के कारण शिवा को सप्ताह हाथ में केले के गुच्छों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है श्रम प्रधान कार्य के डर से वे और शेखर इसे टालने के बहाने खोजने लगे हालांकि सिवा जो होता है इनकी मां ने जोर देकर कहा कि वे उनके बेटे के श्रम को गिरवी रखकर उन्हें मिले अग्रिम ऋण को चुकाने के लिए काम करें फिर जो वैम्बु व्याम्बू शिवा है इनकी बहन जुकाने उनसे वो प्यार करती है जो कि एक समाजवादी और समाजवादी विचारक है चूँकि कुछ ग्रामीण के साथ मिलकर अपने गांव में दलाल मथुराज के माध्यम से प्रतिगुछा एक रुपये अतिरिक्त को बढ़ोतरी करने की मांग करती है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के टाइम पर गाँव के अंदर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गांव वाले उनके पास काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे भर नहीं पाते हैं तो वो उसकी ज़मीन ले लेता है और वहीं पर काम करवाता है और जैसा काम वैसा पैसा देता है इसके बारे में तो हम जानते ही ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा था हालांकि अब थोड़े और बदलाव आ रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो गांव वाले होते हैं इनकी ज़मीन किसी और के पास होती है और अपनी जमीन छुड़वाने के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं फिर आगे होता यूँ है कि व्यापारी काम बंद होने से बचने के लिए एक अनिश्चा से सहमत होता है वो और एक सप्ताहत सिवा जो होता है वो कांटे की चोट का नाटक करने का काम से भाग जाता है और उसे अपनी गाय की देखभाल करने के लिए छोड़ा देता है हालांकि वह गाय को छोड़ देता है और पूर्णकौड़ी के साथ चावल मिल चला जाता है वापस लौटते पर वे पाता है कि जो गाय मथुराज है उनके खेत में घुस गई है जिससे टकराव होता है और कहानी हस्तक्षेप करता है और एक लॉर्डमैन के रूप में अपनी नौकरी खो देता है और अन्य ग्रामीणों की तरह ही जो बंडलों है इनको दो, इनको धोने के लिए वो मजबूर होता है अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर एक कहानी एक ऐसे लड़की की होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसका आसपास का माहौल उसे रोकता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनाया गया है और इस फिल्म का जो दोस्तों स्टोरी प्लॉट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आपको विलेज लाइफ टाइप मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर ये मूवी आप मिस ना करें इसे आप दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं ये डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर हिंदी में अवेलेबल हैं वहीं अगर टेलीविजन प्रीमियर की बात करें तो काफ़ी जल्दी आपको शायद स्टार गुल पे देखने को मिल सकती है